नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब पोर्टल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस एग्ज़ाम 2018 केवीएस एलडीसी सीपीटी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि केवीएस एग्ज़ाम 2018 फेब महीने में हुआ था। अभी रिजल्ट की वेटिंग चल रही है, अप्रैल महीना शुरू हो गया है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन दोस्तों जल्द ही रिजल्ट आने वाला है और टाइपिंग के लिए आपकी कॉल भी ज़रूर आने वाली है। तो दोस्तों, इस हिसाब से टाइपिंग के बाद में आपका नंबर आता है सीपीटी का। सीपीटी एग्ज़ाम में आपको पता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 40 मार्क आपको लाने ही पड़ेंगे। दोस्तों, इसमें 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे टफ पोर्शन सीपीटी पेपर में एमएस एक्सेल का ही होता है, तो दोस्तों आप इस पे थोड़ी तैयारी रखें। और ये है आपके सामने जो डेमो पेपर है, इसको आप गौर से देखिए और आपको आइडिया मिलेगा थोड़ा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एमएस एक्सेल से रिलेटेड आपसे सीपीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस टाइप की एक्सेल शीट आपके पेपर में होगी, जिसे आपको हूबहू नकल करके उसमें एक्सेल शीट में बनाना है। लेकिन दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सेल शीट पूरी करनी है। जैसा कि पहला क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये एक पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के मार्क्स डिसाइड होंगे। जैसा कि पेपर साइज A4 होनी चाहिए, साइज सेल 14 होनी चाहिए, फॉन्ट नेम एरियल होना चाहिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस को आपको बारीकी से देखना है और उसी हिसाब से अपने एक्सेल शीट में पुट करना है। तो दोस्तों, इस सैम्पल पेपर से आपको यह तो आइडिया हो ही गया होगा कि एक्सेल्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सीपीटी में पूछे जाएंगे। दोस्तों, एक्सेल शीट में जहां फॉर्मूला लगे वहां पे फॉर्मूला ज़रूर लगाए, वरना आपके मार्क्स सीपीटी में कट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक अपने सामने आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे एक डेमो पेपर आपके सामने शो हो रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सीपीटी में। दोस्तों, यहाँ पे ये जो डेमो दे रखा है पेपर, उसमें आपको एक शीट दे रखी है, उस जिसमें आपको किस हिसाब से हेडिंग देनी है, हेडिंग की साइज क्या रखनी है, सब पॉइंट्स कैसे देने हैं, बुलेट्स वगैरह सब कैसे लगानी है, वो हूबहू नकल करके आपको पावर पॉइंट में तैयार करना है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपको पावर पॉइंट की मिलेगी और इस अकॉर्डिंग आपको करनी होगी। दोस्तों, आगे आपके सामने कुछ और सैंपल्स मैंने पावर पॉइंट के दिए हैं, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और दोस्तों, ये एक जो सैंपल है वो सैंपल नहीं है एक्चुअली, ये किसी बंदे के पेपर है जिन्होंने पिछले साल या पिछले साल 2014 में शायद हुआ था ये पेपर, तो उन्हीं के पेपर है। यहाँ पे नीचे मार्क्स और इनके रोल नंबर और नाम भी दे रखे हैं। तो इस हिसाब से पावर पॉइंट का क्वेश्चन पेपर आया था और उन्होंने ये अटेम्प्ट किया था। वेल दोस्तों, अगर कंपेयर किया जाए एक्सेल और पावर पॉइंट में, तो सबसे टफ पोर्शन एक्सेल्स का ही होता है। तो दोस्तों, आप एक्सेल पे पूरी तैयारी रखें, पूरा फोकस रखें, बजाय कि पावर पॉइंट के। तीसरा पॉइंट अपने पास में आता है एमएस वर्ड। तो दोस्तों, एमएस वर्ड में सबसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है आपके सामने फेस, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है, जैसी हेडिंग्स दी हुई है, सब हेडिंग्स दी हुई है, अपन को वैसे ही उस अकॉर्डिंग सेट करना होता है। इसमें कोई एक्सेल की तरह सेल्स नहीं है, कोई फार्मूला वार नहीं है कि अपन को फार्मूला पुट करना पड़ेगा या कुछ और। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि वर्ड में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती बजाय कि एक्सेल या पावर पॉइंट के। तो दोस्तों, अगर आपको टाइप नहीं है इजीली, तो आप वर्ड कर जाओगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें आपसे मैंने सारी सब कुछ एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारी अपडेट केवीएस एग्ज़ाम के रिजल्ट, टाइपिंग कब आने वाला है, इसकी लास्ट कट ऑफ क्या रहेगी और कब डिक्लेयर होगी, सब कुछ डिटेल में आप जानने के लिए इस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आज ही सब्सक्राइब करें और सारे अपडेट